अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे ज़माने में हम लोग एक चीज़ पे गौर करते होंगे। पहले ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं थी, आज इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हो चुकी है। पहले ज़माने में इतने बड़े बड़े इज्तिमा नहीं होते थे, आज हमारे ज़माने में इतने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, लाखों लोग उसके अंदर शिरकत करते हैं। पहले ज़माने में इतने जलसे जुलूस भी नहीं होते होंगे जैसे आज हमारे ज़माने में हर 15 दिन में, महीने में किसी न किसी तंजीम का, किसी न किसी जमात का कोई जलसा होता है, कोई प्रोग्राम होता है। और पहले ज़माने के अंदर मस्जिदों में इतने नमाजी भी नहीं होते थे जितने आज के ज़माने में होते हैं। पहले ज़माने में गांव खेड़ों में इतनी मस्जिदें नहीं होती थी। अब मैं खुद गौर करता हूँ, हमारे बचपन में जिस गाँव के अंदर 2 मस्जिदें हुआ करती थी, आज उसी गाँव में 12 मस्जिदें हैं। जिस गांव में 5 या 6 मस्जिदें होती थी, आज वहाँ 25-25 मस्जिदें हैं। माशाअल्लाह मस्जिदों की तादाद बढ़ चुकी है, माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ चुकी है, माशाअल्लाह मुसलमानों में दीनी बेदारी पैदा हो रही है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो अकीदे हैं, अकीदे वो आज भी इतने ख़राब, और आज भी हमारे अकीदों के अंदर इतनी शिरकिया चीज़ें हैं जो नाकाबिले बयान हैं। मुझे एक गांव से फ़ोन आया, 2-4 दिन पहले की बात है। एक मौलाना है वहाँ पे, एक इमाम साहब, एक मस्जिद में इमामत करते, लेकिन वो बेचारे मेरा बयान पाबंदी के साथ में सुनते हैं। वो बेचारों ने फ़ोन किए मुझे, और कुछ भी मसला वगैरह रहा तो मेरे से दरियाफ्त करते। बोले मौलाना, मेरे पास में एक मसला आया हुआ है, उसके सिलसिले में मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं बोला बोलो क्या मसला है। तो बोले मेरे पास एक साहब आए हुए हैं, अभी उनकी शादी हो के तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, उनको औलाद नहीं है, तो उनके कोई रिश्तेदार हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए हुए थे, तो उन्होंने आते आते वहाँ से, मक्के के अंदर बहुत सारे कबूतर होते हैं, लोग वो कबूतरों को दाना डालते हैं, तो इनके जो रिश्तेदार हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए थे, उन्होंने कबूतरों के सामने की वो पूरी जवारी ऐसी समेट के लेके आए वहाँ से जमा करके। अब आप सोचो, कबूतरों के सामने जो दाना डाला हुआ था, वो जो जवारी होंगी, बाजरी होंगी, जो भी होगा, तो वो खाली अनाज तो नहीं होगा, उसके साथ में कबूतर की बिट होंगी, कबूतर का पाखाना होगा, कबूतर की गिलाजत होंगी, कबूतर की गंदगी होंगी, जितनी भी गंदगियाँ होंगी उसके अलावा वहाँ पे रोड पे रास्ते के ऊपर जो गंदगी गिलाजत वगैरह पड़ी हुई होंगी वो भी वहाँ पर होंगी। अब वो सारी गिलाजतें, वो सारी जो गंदगियाँ हैं,
वो सारी गंदगियों को और वो सारे दाने को ऐसा पूरे दोनों हाथों से रगड़ के उन्होंने जमा कर दिए वहाँ पे, और उसका ढिगार लगा के उसको एक कैरी बैग के अंदर भर के यहाँ पे लेकर आए। और लाने के बाद में वो जो रिश्तेदार है जिनको 5-6 साल से औलाद नहीं हो रही थी, उनको बोले ये दानों की रोटी बनाओ और खाओ, बोले इससे औलाद पैदा होंगी। ये है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकीदे। सोचो हमारे अकीदे कहाँ पे जा रहे हैं। 3.5 लाख रुपये खर्चा करके आप मक्का मुकर्रमा पहुँच गए बैतुल्ला के सामने, लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी दिल में ये यकीन नहीं पैदा हुआ कि करने धरने वाली ज़ात किसकी है भाई। एक अल्लाह की ज़ात करने धरने वाली है, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता वो किसके करने से होता, अल्लाह के करने से। वो मक्के में जाके भी अकीदा सही नहीं हुआ, वहाँ पे जाके भी उन्होंने गोबर पूरा जमा करके लेके आ गई और उसकी रोटी बना के खिला रहे। अब वही रिश्तेदार अगर अकीदा सही रहता था तो बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के, वहाँ बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ सकते आप, ऐसा नहीं कि बहुत पब्लिक रहती, बहुत रश रहता, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पब्लिक कब तक रहती वहाँ पे, हज के जो 4-5 दिन रहते, जो 5 दिन है हज के वो, और उससे एक 4-5 दिन पहले और उसके एक 4-5 दिन बाद, बस उतने ही दिनों में ज़्यादातर उमूमन रश रहता। उसके बाद में पब्लिक छटना शुरू हो जाती, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे मुल्कों से हाजी आते वो आते 8 दिन के वास्ते, 15 दिन के वास्ते। हमारे हिंदुस्तान के हाजी 40 दिन 50 दिन के हिसाब से जाते, बाकी दुनिया के लोगों के पास इतना रिकामा टाइम नहीं है। वहाँ के लोग गए मुश्किल से अपना एक 15 दिन रहे, 8 दिन मक्का मुकर्रमा में, 8 दिन मदीना मुनव्वरा में, अपने सारे अरकान पूरे करे और फिर अपने मुल्क को वापस आते। उससे फ़ायदा ये होता आदमी के दिल में अजमत रहती बैतुल्लाह की। क्या रहती बैतुल्लाह की, ज़्यादा दिन भी आदमी वहाँ पे रहा तो उसके दिल में से बैतुल्लाह की अजमत ख़त्म हो जाती। मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग अजीज़िया में, वो जो रहने वाले हैं मक्के के अंदर रह रहे, बैतुल्लाह की अजमत दिल में नहीं आई। पैसा आ गया उसके बलबूते पे हाजी साहब बनने के लिए, वहाँ तो चले गए, अब 8-8 दिन पड़े हुए हैं अपने कमरों के अंदर, खारे फिरे मस्त अपना वहीं बाजू की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे, वहाँ का वहाँ हरम शरीफ में नहीं जा रहे। क्यों भाई, काय के लिए नहीं जा रहे? नहीं बोले यार वो बस में बहुत रश रहता, बस में जाना आना बहुत जान पे आ रहा, फिर इसके लिए वहीं बैठे हुए हैं अपने रूम के ऊपर ही। तो बाकी मुल्कों के जो लोग हैं ना वो जाते 15 दिन के वास्ते, 10 दिन के वास्ते और फिर अपने अराकान वगैरह करके आ जाते, तो रश नहीं रहता वहाँ पे। और उमूमन 2 टाइम ऐसे रहते, वो टाइम पे तो बिल्कुल रश नहीं रहता। एक तो दोपहर का टाइम, दोपहर का जो टाइम रहता ना जोहर की नमाज से पहले का या जोहर के फौरन बाद का, क्योंकि चिलचिलाती धूप रहती वैसे टाइम पे अक्सर लोग साये के अंदर बैठे हुए रहते, तो बैतुल्लाह के अतराफ में बहुत कम लोग रहते। आपको आसानी के साथ में मीज़ाब रहमत, बैतुल्लाह का पर्दा है और हजरे अस्वद के करीब में है, रुकने यमानी है, रुकने शामी है, आप वहाँ पे खड़े रह के दुआ कर सकते, हतीम में दाखिल हो सकते, क्योंकि ये टाइम रश का नहीं रहता। और उसके अलावा रात का वक्त, रात में 2-3 बजे के टाइम पे आप जाएंगे, आराम से आपको बैतुल्लाह के पर्दे को पकड़ के दुआ करने का मौका मिलता, या तो मीज़ाब रहमत के पास आप चिमट के दुआ कर सकते, या रुकने यमानी के पास खड़े रह के दुआ कर सकते। ये ऐसे अवकात होते हैं। तो अब ये जो रिश्तेदार था जिसने वहाँ पे वहाँ से कबूतरों के पूरे दाने जमा करके लेकर आया, वो अगर चाहता तो वो वहाँ जाके बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ कर सकता था, हतीम में नमाज पढ़ के दुआ कर सकता था कि ऐ अल्लाह मेरा फुलाना फुलाना जो रिश्तेदार है तू उसको औलाद अता फरमा, तेरी ज़ात तो वो है जिसने 100 साल की उम्र में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फरमाई। कितने साल की उम्र में भाई, उनकी जो बीवी थी उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। अब हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि औरत 40 और 45 साल के बाद उसकी माँ बनने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किसकी कुदरत है ये, अल्लाह की कुदरत है कि 80 साल की उम्र में भी अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी को क्या बनाया, माँ बनाया। किसकी कुदरत है ये, अल्लाह की कुदरत है।
तो वो जो साथी है वो बेचारा अगर चाहता ना, ये दुआ कर सकता था अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, तूने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 100 साल की उम्र में औलाद दी और तूने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी, तेरे कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है, तू जो चाहे वो हो सकता है, तो मेरा जो रिश्तेदार है उसको भी तू क्या अता फरमा, औलाद अता फरमा। दुआ कर सकते थे वहाँ पे, और बड़ी बात नहीं है ये जो दुआएं हैं, जो दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगे थे और जो दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगे थे, ये दो आयतें ऐसी हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में, कि अल्लाह ने कुरान की इन आयतों में कैसे असर रखा। जो आदमी भी यकीन के साथ में पढ़ेगा अल्लाह उसको औलाद ज़रूर अता फरमाएंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ 17वें पारे में, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दं अंता खैरुल वारिसीन। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जिस आदमी को औलाद ना होती हो वो हर फर्ज नमाज के बाद में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद ये दुआ, ये जो कुरान की आयत है, ये अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार करके कि अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहे हैं, एक मरतबा पढ़े और उसके बाद में फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। रोज़ाना हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दं अंता खैरुल वारिसीन। मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के, इंशाअल्लाह अगर आपको चंद सालों में औलाद नहीं हुई, बाद में मेरे को आके बोलना। अपने मस्जिद में ही मैंने आज से 4-5 साल पहले रमज़ान के अंदर तफसीर में बताया था, इसी 17वें पारे की तफसीर में, ये आयत की फजीलत के अंदर, कि जो आदमी भी, और जो लोग हर साल रमज़ान की तफसीर सुनते हैं उनको याद होगा, मैं हर साल बताते रहता है ये आयत की फजीलत, कि जिसको औलाद ना होती हो, तो बहुत सारे हमारे मस्जिद के साथी जो है वो कुरान लेके आते, बहुत सारे पूछते, तो हम उनको बताते भी, देखो ये आयत 17वें पारे के अंदर ये जगह पे है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दं अंता खैरुल वारिसीन, यकीन के साथ पढ़ो ज़रूर औलाद होंगी। तो वो 5-6 साल पहले मैंने बताया था, अब वो इत्तेफाक से जो तफसीर थी रत्नागिरी के अंदर किसी के पास में पहुँच गई, और वहाँ हमारी एक मुसलमान बहन, उनकी शादी होके 12 साल हो चुके थे, कितने साल हो चुके थे, 12 साल उन्होंने वो आयत के ऊपर अमल शुरू किया, पाबंदी के साथ पढ़ते रहे। उसके बाद मुझे तकरीबन उसके 1.5 या 2 साल के बाद में उनकी तरफ से ये इत्तला मिली कि मौलाना हमको 12 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या मेडिसिन नहीं होगा जो हमने इस्तेमाल ना किए हो, या ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा जो हमने पैसे खर्चा करके ना कराए हो, लेकिन आपका बयान हमारे पास किसी तरीके से पहुंच गया था और हमने कुरान की इस आयत के ऊपर अमल शुरू किया, 12 साल से हमको औलाद नहीं थी, लेकिन कुरान की ये आयत पढ़ने, पाबंदी के साथ पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ने हमको भी एक बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने उनको साहिब औलाद बना दिया। किसकी बरकत से भाई? कुरान पाक के आयत की बरकत से। तो यकीन असल जो चीज़ है वो यकीन। तो अब ये जो साहब थे इनका यकीन नहीं बना हुआ था, वो चाहते तो दुआ कर सकते थे मगर दुआ पे यकीन नहीं था, कबूतरों के खाए हुए दाने पे यकीन था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे सब ऐसा दोनों हाथों से समेटे और वो दाने जमा करके यहाँ पे लेकर आ गए। अब उसमें कबूतरों की गंदगी, कबूतरों की बीट, वो सब मिली हुई, और लाके वो रिश्तेदार को दिए, इसकी रोटी बना के खाओ, औलाद होंगी बोले इससे। फिर वो रिश्तेदार वो मौलाना के पास, इमाम साहब के पास में गए, और वो इमाम साहब ने फिर मुझे फ़ोन किए, मैंने कहा सबसे पहले तो ये अकीदा रखना ही शिर्क है, ये अल्लाह की ज़ात में शरीक, तुम मक्का जैसी मुकद्दस जगह पे जाकर अगर तुम्हारा अकीदा सही नहीं हुआ, फिर दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ जाके हमारा अकीदा सही होगा। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये मसला है हम मुसलमानों का, अकीदा जो है ना, अकीदा असल चीज़ यही है। याद रखो, हमारा जो अमल है, अमल उसमें थोड़ी सी सुस्ती हो गई अल्लाह माफ़ कर देंगे, अमल
अमल और अकीदे का फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। अमल में सुस्ती हो गई, काहिली हो गई, फजर की नमाज़ को आपने तकबीर उला के साथ उठना चाहिए था, नहीं उठे, थोड़ा लेट उठ गए, चलो कोई बात नहीं, उठे जब नमाज़ पढ़ लिए, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। जोहर की नमाज़ में आप काम में थे, मशगूल थे, अपने वर्क में थे, आपकी जमात छूट गई, आप आए मस्जिद के अंदर, पता चला, फिर आपने अकेले नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह माफ़ कर देगा। कोशिश करना अपना काम है, मगर अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अल्लाह उसको क्या कर देगा भाई, माफ़ कर देगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद की जा सकती है। ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज हो चुकी थी, लेकिन हमने जब हिसाब किताब किए, पता चला कि ज़कात अदा कर दिए, 3 महीने के बाद में पता चला कि ज़कात का और भी कुछ पैसा बाकी रह गया था, फिर हमने उसको बाद में अदा किए, या ज़कात ही नहीं अदा किए। ज़कात फ़र्ज हो के 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व ताला ने दीन की समझ अता फरमाई तो समझ में आया कि भाई मैं तो 5 साल से साहिब निसाब बना हुआ हूँ, अब मेरे ऊपर 5 साल की ज़कात फ़र्ज है। अब वो 1 साल के में बैठ के आपने वो 5 साल की ज़कात अदा किए, अल्लाह उसको क्या कर देंगे भाई, माफ़ कर देंगे। हज फ़र्ज हो चुका था, सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, ये साल फॉर्म भरूंगा, वो साल फॉर्म भरूंगा, अगले साल भरूंगा, अब वो लेट होते गया, कई साल निकल गए उसके अंदर, बूढ़े हो गए, और उसके बाद याद आया, और उसके बाद में फॉर्म भरे, और फिर उसके बाद हज के लिए गए, तो अल्लाह क्या करेंगे भाई, माफ़ कर देंगे, नहीं चलो ठीक है मेरा बंदा है, कोई बात नहीं, लेट हज किया, अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन मोहतरम बुजुर्गो, अकीदे के अंदर रत्ती बराबर भी शिर्क रहेगा, अल्लाह उसको माफ़ करेंगे क्या? अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेंगे। अकीदे के अंदर अल्लाह की ज़ात को छोड़कर किसी और पे यकीन किया, अल्लाह के अलावा कबूतरों के दानों से कुछ होता है, अल्लाह के अलावा फुलाने बाबा से कुछ होता है, अल्लाह के अलावा फुलाने पीर से कुछ होता है, अल्लाह के अलावा फुलाने मज़ार से कुछ होता है, अगर किसी और पे रत्ती बराबर भी यकीन किया, याद रखो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात में शिर्क होगा, और अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के पड़ोस में एक मुल्क है, दो मुल्क है हिंदुस्तान के आजू बाजू में, वो दोनों मुल्कों का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, हमारे यहाँ पर यह अकीदे की ख़राबी। मुसलमानों की अक्सरियत अपने मसाइल को मस्जिदों में हल करना छोड़कर, अल्लाह के पास हल करना छोड़कर, और अल्लाह से मांगकर हल करना छोड़कर, हमारी बहुत बड़ी तादाद आपको बाबाओं के पास में मिलेगी, पहुंच गए हुए हैं मुसलमान बाबा के पास में हर काम लेकर। शादी ब्याह का मसला है तो बाबा के पास पहुंच गए लींबू हरी मिर्ची लेने के वास्ते में। काय का मसला शादी का, देखो मुसलमान अकीदा, मैं आपको वही बता रहा हूं अकीदा। मियां बीवी का रिश्ता देखना है, लड़के के लिए कहीं पे लड़की देखना है, हदीस में क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। आपका काम क्या है, लोग देखना, भाई लोग कैसे है, नहीं माशाल्लाह शरीफ लोग है, दीनदार लोग है, नमाजी लोग है। हमारे ज़माने के हिसाब से दीनदारी किसे कहेंगे, हमने ये नहीं देखना चाहिए कि भाई लड़की के वालिदैन वगैरह वो तहज्जुद गुजार है या नहीं है, बड़े एकदम यानी तकवे में ऐसा डुबा के निकाले हुए है क्या नहीं, जैसे जिलेबी को शीरे में से डुबा के निकालते हैं, इतना भी नहीं जाँचने का। मोटी मोटी चीज़ें ये देखो, भाई नमाज वगैरह पढ़ते क्या, घर में किसी को शराब की जुए की आदत तो नहीं है, वो लड़की के वालिद है, भाई लोग वगैरह है, उनका माहौल कैसा है, मस्जिद से ताल्लुक़ है या नहीं है, ये मोटी मोटी दीनदारी हमने देखना चाहिए। अब लड़की के ज़िंदगी में भी हम देखो कि भाई लड़की के ज़िंदगी में पर्दा है या नहीं है, लड़की उसमें एक चीज़ ये भी होती है आज के ज़माने के हिसाब से, जो जो मैच्योरिटी है, मेंटालिटी है, वो मैच होती है या नहीं एजुकेशन वगैरह के हिसाब से, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये
पहले आप ये देख लो कि अपना उनके साथ में जमने वाला है या नहीं है, उनका मिजाज आपको पसंद आ गया, लड़की की दीनदारी वगैरह आपको पता चल गई कि माशाल्लाह शरीफ लोग हैं, मस्जिद से जुड़े हुए हैं, नमाज वगैरह का एहतमाम करते, घर में किसी को जुए की शराब वगैरह की बुरी आदत नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसे घर में रिश्तेदारी कर देना चाहिए। सेम मसला लड़की वालों का भी है, अगर वो किसी लड़के को अपनी लड़की देना चाहते हैं, वो भी लड़के में ये सिफात देखें कि भाई लड़के को शराब जुए की आदत तो नहीं है, लड़का नमाजों का पाबंद तो है, लड़के का मस्जिद से ताल्लुक़ तो है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये चीज़ें हमको लड़के के अंदर नज़र आ गई आज के ज़माने के हिसाब से कि भाई लड़का शराबी नहीं है, लड़का जुआरी नहीं है, हलाल कमाई खाता है, कोई दो नंबर के और धोखा देने वाले इसके धंधे कारोबार भी नहीं है, चलो ठीक है माशाल्लाह, ऐसे लड़के के लिए हमने अपने लड़की का रिश्ता दे देना चाहिए। अब मुसलमान क्या करते हैं, देखो हमारे अकीदे, मैं बताना चाह रहा हूँ अकीदों की खराबी। रिश्ता आ गया, अब रिश्ता आने के बाद मिसाल के तौर पे लड़की का रिश्ता आया, उसका इस्तेखारा करने के लिए, आजकल इस्तेखारा भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होता है, जैसे हमारे ज़माने में बहुत सारे काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, जैसा घर बनाना है तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, घर में दावत है खाना पकाने का है तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, या अगर नहीं देना है बावर्ची को तो एक आधे कैटरर को ऑर्डर दे दो कि भाई हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, 2 किलो का खाना बनाकर भेज दो। हमारे ज़माने में अक्सर काम काय पे हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुके हैं। अब दीनी लाइनों के अंदर भी मुसलमानों के अकीदों की खराबी देखो, इस्तेखारा के भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले आजकल पैदा हो चुके हैं, अब वो भी पार्टी देख के उसके हिसाब से रेट तय करते, मीडियम क्लास है नॉर्मल है तो बोले 1100 रुपये लगेंगे, और अगर पैसे वाले हैं तो 11000 रुपये लगेंगे, और लोग देते हैं ऐसे लोगों को, क्यों? अकीदे ख़राब हो चुके हैं। अब वो इस्तेखारा करने वाला, यानी बेटा आपका है, शादी उसको करने का है, और इस्तेखारा कहाँ पे हो रहा है, वो कर्नाटका के फुलाने ज़िले के अंदर, आप बैठे हुए हैं पूना के अंदर, इस्तेखारा कहाँ हो रहा है, वो केरला के फुलाने ज़िले के अंदर, वहाँ पे बैठ के एक हज़रत इस्तेखारा कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर वो आपको इत्तला दे रहे हैं कि वो लड़की आपके बेटे के लिए सही है या नहीं है, और उस पर हम फैसला कर रहे हैं। ये है हमारे अकीदे की खराबी। मैं आपको बताता हूँ इस्तेखारा करने का तरीका क्या है। हर मुसलमान जिसके अपने पर्सनल लाइफ का मसला है, उसने खुद ने इस्तेखारा करना चाहिए। किसने करना चाहिए भाई इस्तेखारा? उसने खुद ने करना चाहिए। इस्तेखारा मतलब क्या है कि एक बड़ा जो है बुलडोजर लेके पहाड़ खोदते बैठने का, भाई इस्तेखारा इसका नाम है क्या? क्या इस्तेखारा ऐसा है एक नदी में से तूफान आया हुआ है और खड़े रह के पानी रोकने का, ऐसा दोनों हाथ से मैं बांध के जैसा खड़े रह जाऊंगा, बोले अब पानी इधर का उधर नहीं जान दूंगा? इस्तेखारा इतनी मेहनत का काम है क्या? इस्तेखारा इतना सादा सिंपल है, ये हमारे पास पढ़ने वाले ऐसे छोटे से मासूम बच्चे भी इस्तेखारा कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस्तेखारा ऐसे ही सिखाया, सहाबा फरमाते हैं जैसे कुरान की आयतें सिखाई। इस्तेखारा करने का तरीका, अब आपको मिसाल के तौर पे निकाह के लिए इस्तेखारा करना है कि लड़की आपके लिए या आपके बेटे के लिए या आपके घर के लिए सही है या नहीं है, और सबसे बेहतर यह है कि वो लड़का इस्तेखारा करे जिसको निकाह करना है, या वो लड़की इस्तेखारा करे जिसको निकाह करना है। ये हो गया निकाह का। अब कारोबार का, अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, वो बिजनेस में आपके लिए खैर है या नहीं है, उसका इस्तेखारा करना है। या मान लो आपसे किसी ने कर्जा मांगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये कर्जा दो, तो आपने उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका इस्तेखारा करना है। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, उससे पहले इस्तेखारा करना सुन्नत है।
और हर आदमी ख़ुद अपना इस्तेखारा करे, उसका तरीक़ा अच्छी तरह से वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद मस्जिद में आकर बैठे इत्मीनान से, सुकून से। उसके बाद मुसल्ले यानी जानमाज के ऊपर हम तो खड़े हुए ही है, खड़े रहकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का इस्तेहजार करके कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ और जो दुआ करूँगा अल्लाह ताला उसको सुन रहे हैं, इस तरीके से पूरी आज़मत के साथ अल्लाहु अकबर बोल के रकात बांधे, इत्मीनान के साथ सुकून के साथ सूरह फातिहा पढ़े। बेहतर है आप पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ो, लेकिन अगर आपको कुल या अय्युहल काफिरून नहीं आता है कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा सूरा भी पढ़ सकते हैं। आपने दो रकात नमाज अदा कर दी, सलाम फेर दो, और सलाम फेरने के बाद फिर आप दो जानू बैठे हुए हैं, अपना हाथ उठाओ दोनों हाथ इस तरीके से और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वास्तगदिरुका बिकुदरतिका वास्अलुका मिन फजलिकल अज़ीम फइन्नका तकदिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला अअलमु व अंता अल्लामुल गुयूब। ये पूरी लंबी चौड़ी दुआ है इस्तिखारा की। हमको अरबी में दुआ नहीं आती, अब हम क्या करेंगे? आसान तरीक़ा, अल्लाह तबारक व ताला को दुनिया की तमाम ज़ुबानें समझती है, वइंदहु मफातीहुल ग़ैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्री वल बहर, जो समंदरों के बीच में हैं वो भी अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, और जो खुश्कियों में है वो भी अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, हर एक की बोली जानते हैं, हर एक की ज़ुबान जानते हैं। अब अगर हम उर्दू में दुआ करेंगे वो भी अल्लाह को समझ में आएगी, मराठी में दुआ करेंगे वो भी अल्लाह को समझ में आएगी, गुजराती में दुआ करेंगे वो भी अल्लाह को समझ में, बहुत सारे लोग अलग अलग दुनिया में ज़ुबानें बोलते हैं, कोई भी ज़ुबान बोलो हर ज़ुबान अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं। अब आपका काम है आप ये दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं नादान हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी आँखों के सामने अंधेरा है, मुझे कुछ पता नहीं है कि अब जिस जगह पे मैं रिश्ता करने वाला हूँ उसमें मेरे लिए खैर है या नहीं है, या जो कारोबार मैं करने वाला हूँ उसमें मेरे लिए खैर है या नहीं है, या जो मेरे से 50,000 रुपये उधार मांग रहा है उसको पैसा देने में मेरे लिए खैर है या नहीं है, या जो पार्टनरशिप का ऑफर मेरे पास में आया हुआ है उसमें मेरे लिए खैर है या नहीं है। ऐ अल्लाह अगर इस काम में मेरे लिए खैर है तो इस काम को मेरा मुकद्दर बना दे और इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इस काम में मेरे लिए खैर नहीं है तो फिर इस काम से मेरी हिफाजत फरमा, इस काम को मेरे से दूर कर और मुझे इस काम से दूर कर दे, बस ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में अपने आप को लेना चाहता हूँ, खैर के साथ मेरा मुआमला फरमा और शर से मेरी हिफाजत फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ो शुरू में आखिर में, और उसके बाद में जो है अपनी दुआ को मुकम्मल कर दो। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा जो आदमी इस तरीके से इस्तेखारा करेगा उसको कभी भी घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, किसी बाबा के ज़रिए से इस्तेखारा कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी पीर के ज़रिए से, खुद का इस्तेखारा खुद ने करने का, और कैसा करने का समझ में आ गया सबको? इस तरीके से अपना इस्तेखारा करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इस्तेखारा करने के बाद वो ख्वाब में जो है काला नज़र आना था, हरा पीला उदा नीला गुलाबी नज़र आना चाहिए था, ये सब जो चीज़ें हैं ना इसमें मत पढ़ो आप लोग। मैंने जो बताया हूँ ये मसनून तरीक़ा है, अगर आपके हक में खैर होगा तो पूरी दुनिया अगर आपकी मुखालिफत होंगी तब भी आपका उसी जगह रिश्ता होगा, पूरी दुनिया आपको रोकेंगी तब भी आपकी वो पार्टनरशिप होकर रहेगी,
पूरी दुनिया रोकेंगी, पूरी दुनिया दुश्मन बनेंगी, फिर भी जो बिजनेस आप शुरू करने वाले थे वो होकर रहेगा अगर उसमें आपके लिए खैर है तो, और अगर आपके लिए खैर नहीं है शर है तो अल्लाह तबारक व ताला खुद कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा कर देंगे जिसकी वजह से आपका रिश्ता वहां पे नहीं होगा, आपका वो कारोबार शुरू नहीं होगा, आपकी वो पार्टनरशिप नहीं होगी, और आप जिसको कर्ज देना चाहते थे वो कर्ज आप उसको नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ये अल्लाह की तरफ से आएगा। तो आपने अपने आप को फिर अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि जो होगा आप किसकी तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से होगा। ये है इस्तेखारा करने का सही तरीका। अब जो लोग बाबाओं के पास जाके इस्तेखारा करते हैं, देखो उनका क्या हाल होता है। एक साहब के बेटी को रिश्ता आया, उनका अकीदा था, एक बाबा फिक्स थे उनके, 11 नींबू और 12 हरी मिर्ची वाले। गए वो उनके पास में, बाबा के पास 4-5 तोते पाले हुए मुकद्दर के, सिकंदर इधर से उधर उड़ते हुए। क्यों? बोले ये तोते जो है ये फाल निकालने वाले तोते हैं हमारे पास के। अब वो अकीदा ऐसा था कि वो साहब वो बाबा को पूछे बगैर प्लॉट लेने का है तो बाबा से मशवरा, घर बनाने का है बाबा ने इधर दरवाज़ा बोले तो उधर ही दरवाज़ा, जैसा बाबा ने बोले। बाबा के ऐसे पक्के मुरीद, मतलब ये है नऊज बिल्ला बाबा को इन्होंने खुदा बना दिए थे अपना। बाबा के पास गए, बोले बाबा लड़का डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, मुहज्जब है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता वहां पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब बाबा लोग भी बहुत होशियार रहते, वो जब अकेले में रहते तो मस्त अपना चिलम के जो है झुरके गिर के खींचते रहते, और जैसी पब्लिक में आ गए तो मुंडी झुका के ऐसा बैठ जाते जैसा वही नाजिल हो रही इनके ऊपर। हाँ, आए बाबा मजलिस के अंदर, लंबा जुब्बा गिब्बा बाबा का, मुंडी झुके हुई, पूरी जुल्फे बिखरी हुई, ऐसा लग रहा रमजान के बाद से बाबा ने सिर में तेल नहीं लगाए थे क्या मालूम। बाबा को साथ में हदीये में एक कंगार एक तिल की शीशी भी देना जरूरी है। अब बाबा ने नीचे देखे थोड़ी देर और उसके बाद बोले नहीं, मेरे कल्ब के ऊपर कश्फ हो गया, वो लड़का आपके बेटी के लिए सही नहीं है। बोले फिर क्या किया जाए, उस जगह पे रिश्ता मत करो। उन्होंने बोल दिया लड़के वालों को। लड़के वालों ने बोले अरे भाई देखो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से किसी चीज़ की नहीं, नहीं बोले देखो कैसा है सब चीज़ें सही है, और वो उनके रिश्तेदार थे, हम हमारे बाबा के आगे नहीं जाते। बाबा ने नहीं बोले बस रिश्ता ख़त्म, बोले नहीं हमको रिश्ता नहीं करना है। दूसरा एक रिश्ता आया, वो भी बड़े पैसे वाले थे, कारोबारी थे, तिजारत ताजिर लोग थे, लड़का जो है वो भी ताजिर था। फिर गए बाबा के पास, बोले बाबा ये दूसरा रिश्ता आया है, लड़का बड़ा बिजनेसमैन है, ताजिर है, कारोबारी है। फिर बाबा के ऊपर जो है हाल आना शुरू हो गया, मुंडी झुकाए बाबा ने नीचे और फिर अपनी मुंडी ऊपर उठा के बोले मुझे चारों तरफ सफेद दरिया नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है ये लड़के से बेहतर लड़का तुम्हारे लड़की के लिए कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, खुश हो गए। दोनों की ज़िंदगी ऐसे खुशहाली में गुजरेंगी जिसकी कोई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने लड़के के जितने भी तमाम जितने भी उसके जो है मुकद्दर के कागज़ थे, पेपर थे, सब कुछ देख लिया हूँ, चेक कर लिया हूँ। अब उसके बाद आए लड़की वाले, खुशी खुशी उन्होंने लड़के वालों को बोल दिए, लड़के वालों ने भी मंजूर कर दिए। अब सारी चीज़ें होने के बाद रिश्ता हो गया, शादी हो गई, धूम धड़ाके के साथ 25 लाख रुपये खर्चा करे उसके ऊपर, और सब होने के बाद में 4-5 दिन तक तो लड़के वालों ने लड़की का खूब एहसास किए, इकराम किए, और लड़का भी जो है बीवी की मोहब्बत में उसकी फरमा बरदारी करने लगा। 8 दिन के बाद में लड़के की वालिदा ने लड़की से कहा, बोले बहू अब उतर जाओ पलंग पे से किचन के अंदर, हमारा साथ दो अब काम करने के लिए। अब ये बातों को लेकर उनमें फिर, क्योंकि लड़की वाले भी बड़े करोड़पति लोग थे, उनके जहन में ये था कि हमारे बाबा ने बोल दिए
इसका मतलब अब हमारी बेटी तो वहाँ पे बंगवई में झूला झूलने वाली है ऐशो आराम के साथ में, उसको किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लखपति करोड़पति लोग हैं तो कम से कम आधा पौन डजन नौकरानियाँ तो होंगी उनके घर में। वहाँ जे जाके देखे तो कोई नौकरानी नहीं है, सब काम भवुओं को करना पड़ता। अब इसने बोली मुझे तो कुछ काम करना आता नहीं, उन्होंने बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में सास और बहू में झगड़े होने लगे, बेटा आया, बेटे के साथ में अब वो माँ बेटा और बहू तीनों में झगड़े होने लगे। अब झगड़े यहाँ तक पहुँचे कि बाबा ने जिस लड़के के बारे में कहा था कि ये इसको पलकों पे बिठा कर रखेगा, उसने अपने पलकों पे तो नहीं मगर जूतों पे ज़रूर बिठाया। अब जूता निकाला वो लड़के ने और उसके बाद में उसको झोड़पना शुरू कर दिया। उसके बाद लड़ाई झगड़े तेरी मेरी झिपोटियाँ पकड़ के दिया टक्कर दीवार को, सिर फोड़ के रख दिया, 12 टाके लग गए बिचारी को। आ गए वो अपने घर के ऊपर। आने के बाद में जो है फिर लड़की के वाली साहब वो किसी और मुफ्ती साहब के पास में गए ये मसले को हल कराने के लिए। मुफ्ती साहब ने कहा आपने निकाह से पहले इस्तेखारा किया था? नहीं। बोले हम लोग इस्तेखारा नहीं करते, हमारे एक बाबा है पेटेंट, सारे इस्तेखाराओं का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए हुआ है, वही हमारे सारे इस्तेखारा करते। मुफ्ती साहब ने कहा अपना इस्तेखारा खुद को करना पड़ता, दूसरा कोई किसी का इस्तेखारा नहीं करता। ये बाबाओं के चक्कर में पहला जो रिश्ता था पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान का, तुमने उसको रिजेक्ट किया और दूसरे रिश्ते को जो तरजीह दी, वजह ये थी कि तुम अंधे बन गए थे, तुमने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया, अपना जो इस्तेखारा था वो तुमने इस्तेमाल नहीं किया। यही मेरे मोहतरम बुजुर्गों हम मुसलमानों का हाल है, ये है हमारे अकीदे की खराबी। काई की खराबी है? ये हमारे अकीदे की। हमारे अकीदे अल्लाह पर नहीं, उसके रसूल पर नहीं, किसके ऊपर है हमारे अकीदे? बाबा लोगों के ऊपर। तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा अपने अकीदे सही करो, अकीदे कि एक अल्लाह की ज़ात, करने धरने वाली ज़ात किसकी है भाई? एक अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के करने से ही सब कुछ होता है, बस अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता। अगर ये बाबा लोगों के करने से होता था, मैं खाली एक बात बोल के बयान ख़त्म कर देता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख ज्योतिषी है। कितने लाख ज्योतिषी है? लेकिन जब नोटबंदी आई उससे एक महीना पहले, उससे एक हफ्ता पहले, उससे एक दिन पहले, उससे एक घंटा पहले हिंदुस्तान के 10 लाख ज्योतिषियों में से एक ने भी ये नहीं बताया कि 1500 के नोट पे क्या लगने वाली है? पाबंदी लगने वाली है। किसी ने भी नहीं बताया और अचानक में नोटों के ऊपर पाबंदी लग गई। ज्योतिषी लोग खुद परेशान हो गए, अपने पास भी हजार हजार का स्टॉक पड़े हुआ है, बोले यार अब क्या करना क्या मालूम। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों यकीन अल्लाह की ज़ात पर, ना किसी हरी मिर्ची नींबू वाले पर, ना किसी बाबा पर। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले और साथ ही आगे आगे बढ़ते जाए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।